हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के में हम इंडियन बैकग्राउंड टेलीगेम के न्यू अपडेट के बारे में बात करने वाले। तो न्यू अपडेट में गाइज जैसे भी हैमर को ऐड कर दिया गया है, इसके साथ गाइज न्यू रैम को भी ऐड कर देगा, न्यू पुलिस स्टेशन को भी ऐड कर देगा, जो हमारा शोरूम था वो भी न्यू आ गया है। तो आज के में आपको ये इन्हीं सब के बारे में बताने वाला, तो चलेगा वीडियो शुरू कर दे। सो गाइज चले, मैं आपको जैसे का चिट कोड बता देता हूं। तो गाइज जैसे का चिट कोड ऑनलाइन 6677, हम जैसे 6677 डायल करते हैं हमारे सामने जैसे आ जाती है। तो गाइज हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसके पास जाके गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, लेकिन हमें कलर चेंज करने कोई ऑप्शन नहीं आता, पर गाड़ी में बैठने का ऑप्शन आ जाता तो हम इस पर गाड़ी में बैठ जाते गाइस। तो मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ गाइस। तो कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर होने वाला है गाइस। इसके साथ गाइस इसको जैसे भी कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए, बहुत सारे बटन दिए गए, जिनकी मदद से हम जैसे भी को कंट्रोल कर सकते हैं आप। सो गाइस चलिए हमारे नेक्स्ट चीट कोड की तरफ बढ़ते हो। तो गाइस हमारे गेम के अंदर न्यू कार को ऐड कर दिया गया, उस कार का नंबर है हमर। तो उसका चीट कोड होने वाला है गाइस, हमर का चीट कोड है गाइस 8880। मतलब हमें 3x8 डायल करके एक बार 0 डायल कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने हमर का कार आ जाती है। तो हम इसका कलर चेंज करने की ट्राई करते हैं। तो गाइस आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर रख देता हूँ। इसके बाद आप जैसे ही आप गाड़ी में बैठ जाते हो, तो मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ गाइस गाड़ी का। तो आप देख सकते हो गाड़ी का इंटीरियर बहुत बढ़िया होने वाला है। सो गाइस हमारे गेम के अंदर पुलिस स्टेशन को ऐड कर देगा, तो मैं आपको पुलिस स्टेशन की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये हमारा घर का, जिससे आपको थोड़ा सामने जाना है, और राइट से लेफ्ट साइड में जो आपको बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो हमारा पुलिस स्टेशन होने वाला है। तो चलेगा पुलिस स्टेशन का टूर करते, देखते हैं पुलिस स्टेशन कैसा होने वाला है। सो गाइस हम पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमें बहुत सारा स्पेस दिया गया जो कि कार पार्क करने के लिए, जो कि पुलिस की कार होती है उन्हें पार्क करने के लिए। तो चलेगा मैं आपको पुलिस स्टेशन अंदर से दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे जेल दिखाई दे रही है। इसके बाद गाइस राइट साइड में हमें यहाँ पे पुलिस सिंबल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको चेयर्स वगैरह भी दिखाई दी गई है। तो यहाँ पे हमें से दो फ्लोर होने वाले, लेकिन इस वाला अपडेट में हमें सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए अलाउड नहीं है गाइस। तो जो 15 दिन के बाद एक अपडेट आने वाला है, उसमें यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आपको पुलिस भी देखने को मिलेगी और पुलिस की कार भी देखने को मिलेगी। तो उस वाले अपडेट में गाइस हमें सेकंड फ्लोर को पर जाने के लिए वो सीढ़ी के अंदर जो दीवार दी गई उसे हटा दिया जाएगा, और उस सीढ़ी की मदद से हम सेकंड फ्लोर पर जा पाएंगे। सो गाइस हमारे गेम के अंदर न्यू रैम को ऐड कर देगा, जो हमारे पिछले वाले अपडेट में रैम को ऐड कर दिया गया था, उसके पास राइट साइड में ये रैम होने वाला है। तो मैं आपको इसके ऊपर जाकर दिखा देता हूं। तो इसके लिए हमें हेलीकॉप्टर लगेगा, तो मैं यहाँ पे 8000 डायल करके हेलीकॉप्टर मंगा लेता हूँ। फिर हम हेलीकॉप्टर के अंदर चले जाते हैं। मैं आपको ये रैम्प ऊपर से दिखा देता हूँ गाइस। अगर गाइस रैम्प कुछ इस तरीके से होने वाला है, आपको यहाँ पे बहुत सारा स्पेस भी दिया गया है गाइस ऊपर। सो गाइस इंडियन बैकग्राउंड 3 गेम के अंदर न्यू शोरूम को ऐड कर दिया गया, तो जो हमारा पिछले वाला शोरूम था उसके बीच में दीवार दी गई थी और दो शोरूम दिए गए थे। तो इस वाले अपडेट में हमें उस दीवार को हटा दिया गया, और राइट साइड पर साइड से भी सीढ़ी दी गई ऊपर जाने के लिए, और लेफ्ट साइड से भी। तो गाइस 15 दिन के बाद एक न्यू अपडेट आने वाला है इस गेम का, तो उसमें हमें पुलिस स्टेशन का जो स्टाफ है वो हायर किया जाएगा उसमें। यानी कि जो हमें पुलिस हमें दिखाई देती है, हम गोलियाँ मारने पर आ जाते, तो वो हमें वहाँ पुलिस स्टेशन में दिखाई देगी। फिर इसके बाद गाइस ये शोर में इसमें भी आपको थोड़ा बहुत स्टाफ देखने को मिल जाएगा, जो 15 दिन के बाद अपडेट आने वाला है उसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके रख देना।